नीमच पुलिस ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा है। एसपी सूरज कुमार वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों के कब्जे से 5 किलो चांदी, 5 तोला सोना बरामद किया है। फरियादी शैनिक पोरवाल पिता राजमल पोरवाल निवासी नीम चौक जीरन के यहाँ चोरी की थी। अंतर्राष्ट्रीय बांछड़ा व बंजारा गैंग के आरोपी भवन लाल उर्फ गुड्डू पिता हरी सिंह बंजारा उम्र 40 साल निवासी ग्राम खेड़ी नगरी थाना रठाजना जिला प्रतापगढ़ राजस्थान। मुकेश पिता राजू बंजारा उम्र 27 साल निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना जीरन जिला नीमच को गिरफ्तार कर प्रारंभिक पूछताछ में जीरन पालसुड़ा नयागांव और राजस्थान के बांसवाड़ा में चोरी को अंजाम देना बताया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में हुई चोरी की वारदात ट्रेस होने की उम्मीद है। जीरन थाने की टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय नकबजनी गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें 9 अभी तक लगभग मेंबर उसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। 2 लोगों को राउंडअप भी कर लिया गया है और उनके कब्जे से 5 किलो चांदी के नकबजनी का मशरूका और 5 तोला सोना ये रिकवर हुए हैं। वो भी पुलिस रिमांड पे हैं और उनसे पूछताछ जारी है और बाकी अन्य जो चिन्हित हुए हैं गैंग के मेंबर्स उनसे हम लोग उनको जल्द से जल्द पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी अंतर्राज्यीय गिरोह के जो मेंबर्स हैं सीमावर्ती राजस्थान और इवन महाराष्ट्र और यहाँ नीमच आदि एरियाज में घटनाएं करते थे। अभी तक कुल जीरन के 2 घटनाएं और यहाँ जावद के नयागांव चौकी का 1 घटना और राजस्थान के 2 घटनाओं का खुलासा अभी इनसे पूछताछ में हुआ है। सर, कौन-कौन इस पूरी मुहिम में जीरन थाने की टीम, जीरन के हरकिया काल चौकी की टीम और कुकरेश्वर थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम का अच्छा उसमें योगदान रहा है और उन सबको पुरस्कृत भी किया जाएगा।